13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हिसाब का वक्त आ चुका है बुआश। अर्तुरुल भाई मुंतजिर हैं तुम्हारे। जो लोग सरदारी के मनसब पर नजर जमाए बैठे हैं वो जान लें कि दोदुर का कबीला अपना सरदार मुंतखब करने का हक रखता है। सुंगुर तकिन साहब, अर्तुरुल को भी कबीले से दूर रखना है तुम्हें, वरना ये कबीला तबाह हो जाएगा, याद रखो। मुकद्दस रूह है शायद मेरे साथ नहीं। रुक क्यों गए, मार दे इसे। तुम कब से मेरे फैसले और इख्तियार पर सबकत ले जाने लगे तुर्गुत? इस आतिश ने किसकी लाश को खाकस्तर किया है? दुआन, बमसी, ले जाओ इन्हें घोड़ों के पास और बांध दो इन्हें। जैसा आप कहें भाई, जो आपका हुक्म भाई। बहुत पछताओ कि तुम मुझे ना मार के अर्तुरुल। अल्लाह के अजीज बंदे थे ये दोनों, जिन्हें एक साथ बुला लिया आला मकाम पाएंगे ये दोनों इंशाल्लाह। खातून, तुम्हारा दर्द बिल्कुल मेरा ही दर्द है।
तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू मेरे ही आंसू हैं। हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है, इस आजमाइश से भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। गोगचे बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह थी साहब, उसे पाल पोस के बड़ा किया था, हर दर्द और तकलीफ में उसके साथ ही मैं, जान से भी ज्यादा अजीज थी मुझे वो। मैंने तीन बच्चों को आगोश में लेने से पहले ही दफना दिया और अब अपनी बहन को, हम तो बस थोड़ा सा सुकून चाहते थे और थोड़ी सी खुशियां, लेकिन सब कुछ मिट्टी में दफन हो गया साहब। चलो उठो अब। सलजान, हम दोनों जिस सुकून की तलाश में है वो सुकून हमें अपनी औलाद से मिलेगा। जब हम अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखेंगे तो हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साहब। चलो आओ। अल्लाह आसानी पैदा करे। बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए। शुक्रिया हलीमा सुल्तानी। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरती से ये कालीन बुना गया है। जी शुक्रिया। आसमान जैसा नीला रंग और सूरज जैसा पीला रंग आपसे ही बनाना सीखा है। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत की है आपने हमारे साथ मिलकर। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर हमारे जानवरों को अच्छी घास खाने को मिले तो हमारे कालीन और भी खूबसूरत और मजबूत बनेंगे हलीमा सुल्तान। जो जड़ी बूटियां कालीन को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर जमीन जरखेज हो तो और भी मेयारी कालीन बना सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसी सरजमीन हमें बहुत जल्द नसीब होगी जो हरियाली से भरपूर होगी। कालीन को रंगने के लिए बेहतरीन नबतात होंगे वहाँ, ऐसी जरखेज सरजमीन जो अपनी मिसाल आप होगी। कहाँ है वो जमीन हलीमा सुल्तान? ऐसी जमीन जहाँ मवेशी चरा सके और अपने बेहतरीन कालीन फरोख्त करके अच्छा मुनाफा कमा सके। याद रहे, बाज़ंतीन सरहद की बात कर रही हूँ मैं। एक ऐसी जगह हिजरत करने की बात कर रही हूँ जहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है, जहाँ बहते चश्मे और जरखेज चरागाहें हैं, जहाँ हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबिल। तो नौयान भी तुम्हारी गिरफ्त में आ गया अर्तुरुल। सुल्तान तक हरगिज नहीं पहुंचने दूंगा मैं तुम्हें।
अभी ले जाकर सुंगुर तकिन को लेकर आओ। उससे कहना फौरन आए। अर्थरुल भाई ये क्या कर रहे हैं दुआन? कुंदोगदू भाई की तरह क्या नोयान को भाई भी छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता बंसी। तो फिर क्या करेंगे? मुझे क्या पता। तुर्गुत को देखो जरा, तुम बताओ क्या होगा इसका? तुर्गुत को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, खासतौर पर जब अर्थरुल भाई से बात कर रहा हो। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। होगा इससे? कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है इसने? तू तकिन सरदार और कोकचे खातून की मौत इसे मारने के लिए काफी नहीं है? आए किसकी? दिली धमीर की और उन मासूम लोगों की जाने इंतकाम के लिए क्या आपको कम लगती है? तुम समझते हो हर कोई तुम्हारी तरह बहादुर है तुर्कुत? इसलिए कह रहा हूँ कि इसे मर जाना चाहिए भाई, क्योंकि हर कोई मेरी तरह बहादुर नहीं होता। अगर अभी हम इन्हें मार देते तो इसका मतलब होगा कि जो जंग हम लड़ रहे थे वो हार बैठे। हमारे प्यारों के कातिल का नाम हमारी नस्लें नहीं जान पाएंगी। मुझे ये मुर्दा नहीं जिंदा चाहिए। अपने गुस्से को काबू में रखो। उन जानों का अगर हम लोग हिसाब नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा भाई? यिगित के साथ इसे सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करूंगा मैं, समझो इस बात को। तो मैं नहीं समझूंगा भाई, नहीं समझूंगा। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने ये खेल, अब और नहीं। तुर्गुत, मुझे अपने सामने मुस्तरिब और कमजोर सिपाही नहीं चाहिए। इस पूरे अरसे में इंतकाम की आग ने मुझे जिंदा रखा भाई, मुझसे वो हक भी छीन लिया। अब जबकि अपने साथ आप कमजोर सिपाही नहीं चाहते तो मेरा यहां से चले जाना ही अच्छा होगा भाई। भाई चलेंगे हम बंसी। तुम्हारे तो सिपाही भी तुम्हारे इख्तियार में नहीं अर्थरुल। बख्त इंसान अपना मुंह बंद रखो। चलो हलीमा, सहजान, तुम थोड़ी देर पहले कबीले की खवातीन से क्या बात कर रही थी? बुरा ना मानो तो बताओ कि मुझे। इनसे ये कह रही थी कि कबीले का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है सलजान,
तुम हिजरत की बात कर रही थी इनसे? कुंदोगदू साहब, सुंगर भाई, काई और दुदुर का कबीले के सरदारान क्या चाहते हैं तुम जानती हो? बताओ मुझे हलीमा। अभी जो तुम इन लोगों से कह रही थी वो हमें जुदा नहीं कर देगा। तुमसे दूर होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं सलजा। सिर्फ एक ही तो मेरी बहन है, हर दुख बांट सकती हूँ मैं तुमसे अपना। हलीमा, कोकचे को खो चुकी हूँ मैं, अगर तुम्हें भी खो दिया तो कैसे जिंदा रहूंगी मैं? इल्तिजा करती हूँ अर्दुल भाई को समझाओ, तुम उनसे बात करो। हाँ गुंदूस को बानो जी जह के पास छोड़कर आई थी मैं सलजा, जाकर देखती हूँ मैं। सलजान, क्या बात है बेटी? हलीमा, कबीले की खवातीन से किसी दूसरे इलाके में बहुत जल्द हिजरत करने की बात कर रही थी। वालिदा, कुछ कीजिए ना आप, वरना हम सब जुदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए वालिदा, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, रोक ले इन सबको जाने से, दूर ना जाने दे, रोक ले दे। क्या चाहते हो अर्तुरल? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सरदार और उनकी बीवी का कत्ल अब तक मामूमा बना हुआ है और हिजरत भी करीब है, इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए भाई? अव्वल तो यही है कि कबीले को बगैर सरदार के ना छोड़ा जाए, उसके बाद ही हम हिजरत के मामले को आसानी के साथ निपटा सकते हैं। सरदार और उनकी जौजा के कत्ल का मुआम्मा भी इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही उन जालिमों से उनके जुल्म का हिसाब लेकर रहेंगे हम। अर्तुक भाई दुरुस्त कह रहे हैं, हर काम का एक वक्त होता है। जब तक आप जैसे सरदार हमारे साथ मौजूद हैं, हर मुश्किल हल हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम अक्चा भाई। मुसलसल आप इस औताक में बराजमान हैं अर्तुक भाई। ये औताक दो दुर्गा कबीले का दिल है अक्चा भाई, ये हमेशा हमारे खून की रवानी को तेज करता है। मैं देख सकता हूँ सरदारी का शौक हर एक के सर पे सवार है। सरदारी हासिल करना कोई संगे मील नहीं, सरदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। वक्त आ चुका है, अब फौरन जिरगा बुलवाकर नया सरदार मुंतखब किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दुरुस्त कहा, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जिरगे का फैसला ही हमारी मंजिल तय करेगा। सरदारी के तमाम उम्मीदवार कल तक जमा हो जाएं ताकि जिरगा जल्द से जल्द इस मामले को हल करे और कबीला बगैर सरदार के ना रहे। यही सबके लिए बेहतर है, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। हमें फौरन चलना चाहिए, अमीर सादुद्दीन इंतजार कर रहे हैं। सलजान, सलजान, thank you.
क्या बात है खातून, अब कौन सी बात परेशान कर रही है तुम्हें? परेशानियों ने अपना मुंह हमसे मोड़ा ही कब है साहब। लेकिन आप जब तक मौजूद है मेरे साथ, कोई मेरे औताक को हिला नहीं सकता। आप फिक्र ना कीजिए। बताओ मुझे, आखिर किसने दिल तोड़ा है तुम्हारा? अपनी बहन माना है मैंने उसे। कोक्चे के बाद उसके अलावा मेरी बहन नहीं और कोई, और ये बात बताई भी मैंने उसे, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़ के जाना चाहती है। किसकी बात कर रही हो तुम? क्या हम सब एक ही दरख्त की शाखें नहीं है साहब? बताओ तो खातून, किसकी बात कर रही हो आखिर तुम? हलीमा सुल्तान की। कारखाने में खवातीन से दूसरी जगह हिजरत करने की बात कर रही थी। वालिदा भी जानती है, उन्हें कुछ भी करके किसी तरह रोक ले साहब, मुझसे नहीं रहा जाएगा। क्या हम सरमा का कठिन वक्त गुजार कर बाहर तक नहीं आ पहुंचे? उन लोगों को हम सबसे दूर न जाने दीजिए। जहां भी जाएंगे हम सब एक साथ जाएंगे, कुछ तो कहिए आप। हलीमा, सलजान ने जो कहा क्या वो दुरुस्त है? दुरुस्त है वालिदा। हमारा कबीला इस वक्त इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अपने प्यारों के गम से निढाल है। तुम्हारे भाई की सलामती के लिए गैर यकीनी सूरत हाल है, और वहाँ अर्तुरुल अमीर सादतीन के मसले से कुछ पता नहीं कैसे निपटेगा, और तुम ये सब कर रही हो यहाँ। जानती हूँ मैं क्या कह रही थी, लेकिन क्या आप जानती हैं कि... हाँ मैं जानती हूँ, जानती हूँ। एक सरदार की खातून बनना सीखो, आखिर कबीले की औरतों के जहन में क्या भर रही थी तुम? हाँ वालिदा, क्या शोहर के रास्ते पर गामजन रहना मेरा फर्ज नहीं? सुलेमान शाह अगर हयात होते तो क्या आप उनके रास्ते पर उन्हें इस तरह तन्हा छोड़ देती? बिल्कुल नहीं छोड़ती मैं, बिल्कुल नहीं। मगर तुम मुदाखलत नहीं कर सकती कबीले के मामलात में। मैं सरदार हूं, मेरी इजाजत के बगैर यहां से एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। याद रखना हलीमा सुल्तान, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि सुलेमान शाह के कबीले को टुकड़े टुकड़े करके इतनी आसानी से तकसीम कर दे। अच्छी तरह बिठा लो ये बात जहन में। तुमने इस कम उम्र में भी फिरौनों के सामने अपना सर नहीं झुकने दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत बहादुर हो अपने नाम की तरह। अल्लाह के नजदीक फितने और जुल्म से दूर रहने वाले का बहुत अजीम मकाम है। अल्लाह तुम्हारी राहों को रोशन रखे। अर्तुरुल,
ये गीत हैरत है। इस कम उम्र में भी नौयान को धोखा दे दिया तुमने। दोन, बमसी, मजबूती से बांध दो इन्हें। जैसा आप कहें भाई। एक और जिम्मेदारी को बखूबी निभा दिया अर्तुल बेटा। तुम्हारे फर्ज की अदायगी में बहुत से राज पिन्हा है। बिलाखिर फतह तुम्हारी ही होगी फरसंद। शाम की इस धुंध में गुम हो जाने के बाद तुम इस्लाम का नूर बनकर तुलू होगे इंशाल्लाह। मगर याद रखना, तुम्हारे अपने ही तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं तुम्हें। भूलना मत कि अल्लाह नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। कभी आपकी जात से हमेशा तकवियत मिली मुझे। मेरी मुश्किलों को बांट कर रास्ता दिखाया मुझे। बहुत शुक्रिया। जीते रहो। हर लम्हा दुआ गो हूं तुम्हारी फतह याबी के लिए। अल्लाह हामी और नासिर रहे तुम्हारा। तीर चलाने के लिए कौन सी पांच शराइत है? कमान, तार, तीर, अंगूठी, बहादुरी। एक बहादुर सिपाही में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? ताकत, हिम्मत, तवज्जो, तेज नजर। सिर्फ तीर कमान हाथ में पकड़ लेने से कोई अच्छा तीर अंदाज नहीं बन जाता। तो ऐसी कौन सी दो बातें हैं जो एक सिपाही को कभी फरामोश नहीं करनी चाहिए? जवाब दो नन्हे सिपाही। इखलास और सब्र। आफरीन। इखलास क्यों जरूरी है संगूर तकीन भाई? किसी भी इंसान को अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करने के लिए आखिर वो कौन सा अमल है जिस पर अमल पैरा होना जरूरी है? इखलास है भाई। शाबाश। जिस तरह इखलास हमें अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद और शैतानी कामों से दूर रखता है, बिल्कुल इसी तरह एक तीर अंदाज का इखलास भी उसके दिल और दिमाग और आंख को उसके हदफ की तरफ यकसू रखता है। इसके अलावा ये चार उसूल हवा, नमी, शुबा और गुमराही कभी मत भूलना। हवा, नमी, शुबा, गुमराही। नन्हे सिपाही, इखलास और सब्र एक तीर अंदाज की फितरत है। उठाओ तीर और लगाओ निशाना। हक है अल्लाह। सच है अल्लाह। क्या बात है भाई? अर्तुरुल अब अपनी हदें पार कर चुका है मेरे भाई। बाहर वो सुल्तान की नाफरमानी कर रहा है और कबीले में सरदारान के फैसले के खिलाफ वर्जी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? हलीमा सुल्तान ने जंगजियों की बीवियों और बहनों से बात की है। उन्हें अर्तुरुल के नक्शे कदम पर चलकर शहीद होने की तरगीब दी है। उसे ढूंढ कर रोकना जरूरी है भाई। मेरे भाई, एक अरसा तुम कबीले से दूर रहे हो। अर्तुरुल की जिद और हठधर्मी से नावाकिफ हो तुम। वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है।
अगर तुम उसके हाथ और पांव दोनों बांधोगे तब भी वो अपने दांतों से लड़ेगा। वो जरूर जाएगा उस मनहूस बाजंतीन की सरहद पर। सब कुछ जानने के बावजूद भी पापा के कबीले और उनकी विरासत को तबाह बर्बाद कर देगा। जिस जगह वो छुपा हुआ है हर सूरत में वो जगह हमें ढूंढनी होगी। क्या आप कुछ जानते हैं इस बारे में? कुछ मालूम नहीं इस बारे में और ना ही कोई अंदाजा लगा सकता हूं। भाई अगर आप कुछ जानते हैं तो बताइए, मैं इस मामले को अपने तरीके से हल करूंगा बगैर किसी का नाम लिए। शहजादा यिगित को सुल्तान की सुपुर्द करने के बाद ना ही कोई अर्तुरुल को और ना वालिदा को इल्जाम दे पाएगा। भाई इस मामले को अगर कोई बिना खून बहाए हल कर सकता है तो वो सिर्फ मैं। अर्तुरुल की खातिर, इस खानदान की खातिर और आपकी होने वाली औलाद की खातिर अगर कुछ जानते हैं तो बता दीजिए मुझे। याद रखना अक्षा, आर्तुक साहब अर्तुरुल से बहुत करीब हैं, ये सबको मालूम है। परेशानी यह है कि कल अगर वो सरदारी के लिए खड़े होते हैं तो दुदुर्गा कबीला हाथ से निकल जाएगा। आर्तुक साहब दुदुर्गा के सरदार बनके अर्तुरुल की हर मुहिम में उसका भरपूर साथ देंगे। बेफिक्र हो जाए अमीर सादतीन, अपने कबीले को किसी की भी मुहिम जोई पर कुर्बान नहीं होने देंगे। अभी आप सरदारान पे मुनसिर है, अगर आपने सूरत हाल को काबू ना किया तो आपका यह अजीम कबीला तबाह हो जाएगा। अच्छा साहब, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, सरदारान को बाहर भेज दीजिए। तुम एक बहादुर सरदार हो और अपने कबीले के लिए फिक्रमंद भी हो, जानता हूं मैं। दुदुर्गा को तुम जैसा काबिल शख्स चाहिए, यकीन करो मेरा। मरहूम कोरकुत साहब की तरह और उनके बहादुर बेटे तुतकिन की तरह तुम्हारा दुदुर्गा का सरदार बनना एजाज होगा कबीले के लिए। ये सोने के सिक्के मुअज्जज़ीन की बंद आंखें खोलने के लिए सरदार बनने में तुम्हारे मददगार साबित होंगे। बहुत शुक्रिया अमीर सादतीन, अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे। जान जाएंगे वो सब कि कोई भी कबीला मेरी मर्जी के बगैर सरदार मुंतखब कर ही नहीं सकता और ना ही मेरी इजाजत के बगैर हिजरत कर सकता है कहीं। जो भी आपके खिलाफ बगावत करने की कोशिश करेगा वो हमें अपने खिलाफ पाएगा। सुल्तान अलाउद्दीन के सामने तुम एक एक बात बताओगे ताकि कोपेक से तुम्हारी जान बच जाए। इससे तो बेहतर यह होगा कि मैं खुद ही काट डालूं अपनी जुबान। तुर्कुत भाई का क्या होगा? आप तुर्कुत ने कहा था कि जो मेरा रास्ता है वो उसका है दुआन, और मैंने कहा था उसे कि इस रास्ते में बहुत सी आजमाइशें भी आएंगी
और उसने कहा था कि वो मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा। तुम्हें याद है ना बंसी? हाँ, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि वो रास्ता चुन ले अपना। अगर वो रास्ते का तायुन उस गुस्से के दबाव में आकर करता है जो उसके सरदार के कहे अल्फाज की वजह से है, तो हमें दिख जाएगा। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज इस राह में इंतकाम जरूरी है, लेकिन अक्ल ज्यादा जरूरी है। नोयान ने सबसे ज्यादा जुल्म मुझ पर किया, लेकिन यह मामला इंतकाम लेने का नहीं बल्कि रियासत की सलामती का है। अगर इस मलून को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ना लेकर गए तो कोपैक रियासत को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब समझे बात? जी बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी तरह समझ गए। मेरी बात सुनो बुआज, तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी है। अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो कोपैक के आने का इंतजार करो, बस। समझ गए तुम? समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जो चाहते थे वो मिल गया भाई। अभी नहीं आर्तुक भाई, अभी नहीं। कबीले का हाल बताइए। सरदार मुंतखब करने के लिए कबीला जिरगा बुला रहा है। दो दुर्गा के सरदार आप होंगे आर्तुक भाई। अगर आप सरदार होंगे तो बाजंतीन की सरहद पर हम और मजबूत हो जाएंगे। जैसी आपकी ख्वाहिश भाई। फौरन कबीले लौट जाएं और इस बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं भी कबीले आऊंगा। बहुत शुक्रिया भाई। ये गीत हुक्म करें भाई। कल हम इन मलूनों को लेकर रवाना होंगे। इन्हें सुल्तान के सामने पेश करेंगे और उन्हें सारी तफसील बताएंगे। हलीमा सुल्तान भी वहीं मिलेंगी। जी समझ गया भाई। मेरी जान थी तुम, वो तुम।
तुम्हारे लंबे घने बाल, वो गहरी भवें बिल्कुल कमान की तरह, वो हमेशा मुस्कुराता हुआ खूबसूरत चेहरा, वो गुलाब की तरह खिलते तुम्हारे रुखसार। क्यों चली गई हो तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर? मैं ही हूं जो सरापा इंतजार हूं, तुम्हारे पास आने के लिए शहादत का मुंतजिर हूं। मुझे माफ कर दे बाबा, मैं आपसे किया वादा पूरा नहीं कर सका। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं उससे आई के सौराब की मौत का इंतकाम नहीं ले सका जो मेरा इस दुनिया में सब कुछ थे। अब तो हर सांस बोझ लगती है बाबा, आई किस के बगैर मुझे मेरी जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं लगती बाबा। उस भट्टी को देखकर मुझे आपकी याद आती है, हर औजार में मुझे आपका चेहरा नजर आता है। इस कबीले में नहीं रह सकता मैं, ये कबीला मुझ पर हराम हो गया बाबा। मुझे माफ कर दे बाबा, माफ कर दे मुझे बाबा, माफ कर दे मुझे बाबा, माफ कर दे मुझे बाबा, माफ कर दे मुझे। आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें मेरा छोटा भाई मुलविस है, और अगर आपने उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो नतीजे भयानक होंगे। वो यकीत और नोयान को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जा रहे हैं भाई। क्या नोयान को भी? वालिदा के होते हुए आप जिरगा कैसे बुला सकते हैं? आप सरदार नहीं हो सकते। तुर्गुत, तुम्हारी जरूरत है इस कबीले को। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन हमारा साथ यहीं तक था।